सोलन में सभी धार्मिक स्थल तो खुल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मंदिर के आसपास स्थित प्रसाद की दुकानों की रौनक नहीं लौट रही है। सभी दुकानें खाली हैं। करीबन 6 माह का समय हो गया है, इन दुकानों पर बिक्री शून्य मात्र की ही है। यही वजह है कि सभी दुकानदार बेहद परेशान और उदास हैं। दुकानदारों ने कभी सोचा भी नहीं था कि उन पर ऐसे संकट आ जाएंगे। वे पूरी तरह से मंदिर से जुड़े व्यवसाय पर ही आश्रित थे, लेकिन मंदिर ना खुलने के कारण उनका व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गया है। उन्होंने सरकार, प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं का ध्यान भी उनकी ओर ना होने पर रोष व्यक्त किया और किसी ने भी उनकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया है। दुकानदारों ने अपनी व्यथा मीडिया के समक्ष रखते हुए बताया कि मंदिर बंद होने के कारण 6 माह से उनकी दुकानें सूनी थी और कोई नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से उन्हें किसी भी तरह की आय नहीं हो रही है। यही कारण है कि उनका घर चला पाना भी मुश्किल हो गया है। अभी यह स्थिति है कि कितने देर और रहेगी, इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने बताया कि बेशक मंदिर खुल चुके हैं, लेकिन अभी भी प्रसाद चढ़ाने की अनुमति नहीं है और ना ही मंदिर में कोई और सामग्री चढ़ा सकता है, इसलिए वे बेहद चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि अभी वे लोगों से उधार लेकर ही अपना जीवन गुजार रहे हैं, खाने पीने के लाले पड़े हैं, इसलिए सरकार को चाहिए कि कुछ नियमों में परिवर्तन करे और छोटे दुकानदारों के साथ साथ प्रसाद के बारे में भी कोई संज्ञान ले। मंदिर खुल रहे बेटे, तुम्हारे को अच्छा लग रहा है भाई मंदिर खुल रहा है, पर हमारे को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, कोई भोग नहीं चढ़ेगा, नारियल नहीं चढ़ेगा, चुन्नी झंडा नहीं चढ़ेंगे, तो हम क्या देना है, हमने बेचना क्या है, फिर हमारे पास यही क्या, कोई जरिया तो है ही नहीं। हम तो किस्म से सड़क में निकले हुए हैं, फिर तो हम तो इसलिए बेटे जब भाई हमारे थोड़ा सा रोजी रोटी जो हम कमा रहे जो हम कर रहे तो हमारे को ये भाई थोड़ा बहुत भोग भी लगना चाहिए, झंडे वगैरह भी लगने चाहिए, ना तो हमारे पास तो कोई जरिया ही नहीं है जीने का, भी क्या मकसद है हमारे पास, हम कहाँ से किराया देंगे, कहाँ से बिजली का बिल देंगे, कहाँ से क्या करेंगे। सरकार से तो हम यही मांगे करेंगे बेटे भी हमारी रोजी चलनी चाहिए बस, बाकी तो हमने क्या मांग करनी है, पर रोजी तो चलनी चाहिए ना, तो हम तो एक किस्म से सड़क में आए हुए हैं, कहाँ से हम किराया देंगे, कहाँ से हम बिजली का बिल देंगे, कहाँ से क्या करेंगे। हम पहले ही जुड़ गए तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमारी तो बारी भूखे मरने की आई, फिर हम तो ये मांग करना चाहते भी सरकार हमारी मांग छूने, अरे ये भाई हमारा भोग वगैरह जो भी है मतलब लगना चाहिए। मंदिर खुल रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, हमारे रोजी जो है रोजी रोटी तो फिर भी बंद है, प्रसाद नहीं चलेगा, चुनी झंडे नहीं चलेंगे, और तब क्या क्या फायदा है इस चीज़ का। हमारे को 6 महीने से हम कर्ज में डूबे हुए हैं, हमारे को कोई सरकार से कोई एड नहीं है। हाँ जी, हमारे जो पिछले नवरात्रे से लेके आज तक हम ऐसे ही बैठे हैं, हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। अब खोलना जा रहा है मंदिर तो बोलते हैं कि प्रसाद नहीं चढ़ेगा, चुनी झंडे नहीं चढ़ेंगे और कुछ नहीं चढ़ेगा, तब क्या है? हमने कहाँ से ये कर्ज देंगे लोगों? कर्ज डाल के तो सामान ले आए जाते हैं, हाँ जी उधार सामान ले आए जाते हैं, ना अपने खर्चे भी हैं, हमारे को कोई सरकार ने कोई एड नहीं दी है। हम जिस तरह से कर्ज करके आज हम 6 महीने तो इंतजार करते रहे, फिर भी सरकार बोलती कि प्रसाद नहीं चढ़ेगी, झंडे नहीं चढ़ेंगे, चुनिया नहीं चढ़ेगी, हम क्या करेंगे? हमारे को तो ऐसे भी सड़क भी निकाल दी सरकार ने।